तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो में वापस से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे PSP के गेम्स को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर खेलना है यूजिंग PPSSPP एम्यूलेटर, जो कि सबसे अच्छा सबसे असरदार एम्यूलेटर है भाई एंड्रॉइड के लिए। तो सबसे पहले बात बता दूं आपको कि अगर आप एक बिगिनर हो, यानी कि आपने नया नया PSP डाउनलोड किया है और आपको गेम खेलना है और आपको कुछ पता नहीं है कि भाई क्या करना है कैसे करना है, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए। भाई वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक ब्लैक स्क्रीन हो जाते हैं, बोर्ड का गेम चलता ही नहीं है भाई, गेम क्रैश हो जाता है, और बोर्ड का तो गेम चलते चलते आधे रास्ते में ही क्रैश हो जाता है। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखना। और भाई पहले बता दूं, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको दो एप्स डाउनलोड कर देनी है, PPSSPP और जेट आर्चीवर, जो कि दोनों फ्री है भाई, प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगी, और फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों की। तो फिर आपको जेट आर्चीवर ओपन करना है और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना है भाई, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर का नाम दे दे रहा है आपको PSP, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेम ऐसा करना है। यहाँ पर फिर से जो आपने न्यू फोल्डर बनाया PSP का, उसको खोलना है और उसके अंदर फिर से एक क्रिएट करना है न्यू फोल्डर गेम नाम से। आप इसके बाद इसमें कितने भी फोल्डर ऐड कर सकते हो, सेव स्टेट या फिर कुछ और भी। एक बार लोकेट करने के बाद ये सारे फोल्डर्स अपने आप ही बन जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप बस गेम का ही बनाना, जैसे कि मैंने सेव स्टेट भी बना दिया, आप बस गेम का बना देना, वो भी चल जाएगा भाई। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपल सा, आपने जहाँ भी गेम को लोकेट किया है, जैसे कि मैंने अलार्म्स में किया है, आपने डाउनलोड्स पर किया होगा, तो आपको वहाँ पर चले जाना। जैसे कि मैंने अलार्म्स में किया है, मैं अलार्म्स में जाता हूँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधे एक्सट्रैक्ट का बटन आएगा और आप अभी एरो को फॉलो करना। मेरे डिवाइस स्टोरेज में आने के बाद आपको उसी फोल्डर में जाना है, यानी कि PSP के फोल्डर में जाना है, यहाँ पर गेम पर जाना है और गेम पर जा करके एक्सट्रैक्ट कर देना है भाई। तो जब तक गेम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि गॉड ऑफ वॉर गेम है, इसके लिए एक सेटिंग की भी जरूरत होती है, ताकि आपका गेम बहुत ही स्मूथ आपके चैनल पर चले। तो वो सेटिंग भी अपलोड है भाई, गेम की सेटिंग भी देख लेना, हर गेम की सेटिंग मैंने अपलोड करके रखी है फेमस गेम्स की, तो वो भी देख लेना भाई आपके मोबाइल पर, उससे वो गेम बहुत ही आसानी से बहुत ही लैग फ्री चलेगा, तो एक बार वो भी देख लेना। और अगर आपको इसमें मुश्किल हो रही है, जैसे कि आपको एक्सट्रैक्टिंग में मुश्किल आ रही है या फिर आपको फोल्डर बनाने नहीं आ रहा, तो मैंने एक एक मिनट की भी वीडियोस बना के रखी है कि उसी पर कि फोल्डर कैसे बनाना है या फिर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो आप लोग चैनल पर जाकर के वो भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग PPSSPP एमुलेटर को ओपन करेंगे। तो देखो, अगर आप जब पहली बार इसको ओपन करोगे PPSSPP एमुलेटर को, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो आपको जनरली यहाँ पर सीधे ओके कर देना है भाई, क्रिएट और PSP फोल्डर पर। तो अगर आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा, तो आपको सीधे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सीधे यहाँ पर करना है यूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना और ओके दबा देना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्राउज का आइकन दिखेगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूज दिस फोल्डर फिर से कर देना है, और फिर से परमिशन मांगेगा, इसे भी अलाउ कर देना है। और बूम गाइस, आपका गेम आ चुका है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हो। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जरूर बताना, और कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू